शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तेरे खून की बू सूंघ ली है मैंने दत्त। मेरे खून को बचाने के लिए अपना खून बहाया तुमने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई निहाल पर हाथ उठाने की? इसकी मौत मेरा मकसद है। नामुमकिन है राज। कंफर्टेबल ओके आई होप यू आर ओके एनीथिंग यू नीड सुमित्रा ओ हाय सुनीता कब आई तुम बस तुम्हारी याद आई तो झट से चली आई अच्छा भाई साहब कहाँ हैं जहाँ विस्की वहाँ वो दीदी आहूजा साहब आपके लिए और जीजाजी के लिए पूछ मैं अभी आई ओके बी कंफर्टेबल मैं अभी आई क्या ग्रेट औरत है कहने को तो इसका इस घर से कोई वास्ता नहीं है मगर उसके बगैर ये घर घर भी नहीं अरे भाई इन्हें सूखी विस्की पिलाते रहोगे कुछ खिलाओगे भी चिकन टिक्का लाओ टंगड़ी कबाब लाओ खिलाओ इन्हें लाओ साहब घर की पार्टी है तो कल को मत कीजिएगा अजीत दास साहब आपने तो कुछ पिया ही नहीं आपका गिलास खाली है जरा जम के पीजिएगा टुडे नो लिमिट्स ये ड्यूटी निभाते हो तुम लोग तुम्हारी इस लापरवाही से दुश्मन कितनी आसानी से घर के अंदर घुस सकता है सॉरी सर सॉरी के बच्चे हर आने जाने वाले पर पूरी कड़ी नजर रखो यस सर और इस तरह दोनों सटक कर मत खड़े हो 20 कदम दूर रहो यस सर गधे बाबा मुझे माफ कर दीजिए बाबा मुझे माफ कर दीजिए
मैं जान हथेली पर लाया हूं तो सिर्फ सिर्फ आपसे माफी मांगने के लिए। उठो जोरावर, उठो। मैं अपनी औकात भूल गया था बाबा, भूल गया था कि ऊंट अगर बैठा भी हो तब भी कुत्ते से ऊंचा होता है। अब जैसा आप बोले वैसा ही होगा। मेरे सारे धंधे आपके कहने के मुताबिक चलेंगे। अब न मेरी आपसे कोई दुश्मनी रहेगी न लड़ाई। मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूं बाबा, दोस्ती का। इस लाइफ कब से समझ लिया तूने अपने आप को? दोस्ती ना सही, आशीर्वाद तो ले सकता हूं बाबा। बाबा मुझे तो इसमें भी इनकी कोई चाल दिखाई देती है। बलराज, दुश्मन छत के नीचे आ जाए तो मेहमान बन जाता है। उसकी इज्जत और हिफाजत करना हमारा धर्म है। और जब इसे अपनी गलती का एहसास हो ही गया है तो हमें भी अपने दिल का मैल साफ कर लेना चाहिए। आओ सब मिलकर ये खुशी मनाते हैं। आओ बेटा। भाई मेरी तो समझ में आया नहीं कि तुम्हारे दिमाग में क्या गेम है। क्या जरूरत थी उस बुड्ढे के पांव में अपना सर रखने की? जिस तरह छलांग लगाने के लिए खिलाड़ी को पीछे आना पड़ता है उसी तरह दुश्मन को जड़ से उखाड़ने के लिए कभी झुकना भी पड़ता है। आओ। मेरी खुशी में शरीक होने वाले दोस्तों, आप सब जानते हैं कि आज मेरे पोते निहाल का जन्मदिन है। इस खुशी में एक और खुशी भी शामिल है और वो है मेरे बेटे विशाल और बहू पूनम की शादी की 10वीं सालगिरह। रघुवीर केक लेकर आओ। चलो बेटा फूंक मारो। इस वक्त अपने मठ वाले बंगले में रघुवीर के साथ जश्न मना रहा है। ओए लाले, तू तो इस तरह बैठा है जैसे किसी के श्राद्ध में आया है। श्राद्ध तो मेरा होने वाला है जोरावर साहब। क्या बकवास करता है? सच कह रहा हूं, बाबा ठाकुर अभी तक जिंदा है और मेरा जीजा बलराज भी। वो मुझे इस गद्दारी के लिए जिंदा नहीं छोड़ेगा। लाले, जब लोमड़ी की दोस्ती शेर से हो जाए ना तो उसे बाकी जानवरों से डरने की जरूरत नहीं है। और वो बुढ़ा
अरे वो तो चंद सांसों का मेहमान है। रही बात बलराज की, जितना वो मुझ तक पहुंचने के लिए बेचैन है, उससे कहीं ज्यादा मैं उसे लुढ़काने के लिए तड़प रहा हूं। बलराज, बहुत बड़ी गलती की तूने, जो उस दहलीज पर लहू बिखेर कर आ गया, जिसकी चौखट को छूने के बाद मुझे मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बेवकूफ, अपनी जीत का जश्न मनाने से पहले एक बार तो सोचा होता कि बलराज दत्त अभी जिंदा है। मैं चाहूं तो इस पिस्तौल की सारी गोलियां तेरी खोपड़ी में उतार सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूं कि तू जिंदा रहे, ताकि जब जब तू बैसाखियों का सहारा लेकर चलेगा, तुझे बैसाखियों की ठक 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 की बजाय बलराज तक 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 की गूंज सुनाई देगी। जीजाजी नहीं, नहीं जीजाजी, जीजाजी नहीं, जीजाजी मुझे माफ कर दीजिए, जीजाजी मैं आपके पैर पड़ता हूँ, जीजाजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, जीजाजी, जीजाजी मुझे माफ करना सुमित्रा, मैंने तुम्हारे भाई रघुवीर को मार दिया है। जो गोलियां बाबा पर चलाई गई थी, उन हाथों को मजबूत करने वाला तुम्हारा भाई ही था। ये मत समझ लेना कि ये आंसू मेरे भाई की मौत पर बहे हैं। दुख तो इस बात का है कि आपने मुझसे मेरा अधिकार छीन लिया। उस गद्दार को मारने का हक सिर्फ मेरा था। मेरा बलराज? हाँ बाबा। मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। जान हाजिर है बाबा, बोलिए। हाँ बाबा। ये बच्चा हमारे वंश का आखिरी चिराग, मेरे खून का आखिरी कतरा, इसे मैं तुम्हारी हिफाजत में छोड़े जा रहा हूं। बाबा, मैं वचन देता हूं, जब तक बलराज के शरीर में सांसें हैं, निहाल के साए को भी कोई छू नहीं सकेगा। मेरे लिए दुनिया का हर रिश्ता इस बच्चे के बाद होगा। इस बच्चे की हिफाजत मेरा धर्म है बाबा। मैं बाबा, क्या हुआ भाई?
कैसे हुआ ये सब? बहुत बड़ी चोट दी है बलराज ने मुझे। उठो भाई, उठो। बहुत बड़ी चोट दी है छोटे। हौसला रख भाई, मैं अभी तुझे अस्पताल ले चलता हूँ। मैं उसके खानदान में किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चल भाई, मार डालूंगा सबको। भाई पुलिस, भाई पीछे देख, पुलिस। छोटे अब हम बचकर नहीं जा सकते, तू जा छोटे, जा जा, तू भाग जा, जा। चलो भाई चलो। नहीं नहीं छोटे, तू जा। भाई मैं तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। जा चलो छोटे, भाई जा, नहीं छोटे, जा जा यहां से, तो तू जा यहां से। और सुन, जब तक मैं जेल से बाहर नहीं निकलूं, बलराज तक से पंगा मत लेना। हम मुझसे दीवाना है ये मेरी इल्तिजा।
या शीला, नीलू या नीला, या हो शकीला नाम से क्या हमें यारो यार सबसे करो प्यारो। शालू या शीला, नीलू या नीला, या हो शकीला नाम से क्या हमें यारो प्यार सबसे। पूजा क्या लोगी? पूजा मैं तुमसे बात कर रहा हूं, क्या लोगी? जहर। जहर? ओके, जहर, जहर, जहर। वो तो यहां नहीं मिलता। मैं आपसे नाराज हूं भैया। क्यों भाई? मैंने आपकी पसंद का खाना बनाकर रखा और आप मुझे इस बकवास होटल में ले आए। बकवास मत बोलो, फाइव स्टार होटल है, 70 रुपए की चाय मिलती है, खाने के लिए मेरे पूरे महीने की तनख्वाह निकल जाएगी। क्यों भाई साहब? यू आर राइट सर। देखा क्यों, क्या आप लोग चाय में नोट और खाने में सोने की गिनियां मिलाते हैं? आई डोंट थिंक सो मैडम। एक काम कीजिए, आप दो सूप ले आइए, चिल जी, तब तक हम खाने के बारे में डिस्कस करते हैं। सूप चिल? हाँ गरम, मेरी बहन के दिमाग की तरह। अरे जाइए लेके आइए। जहर तो है नहीं, झींगा दही मसाला मुर्ग मक्खन वाला, अरे पगली, रोज तो तेरे हाथों का बना हुआ खाना खाता हूँ, आज बाहर खाने की ढाई खुशी है। दो खुशियां तो मैं जानती हूँ। वो क्या है बताओ? एक तो ये कि मुझे मिस टाउन चुना गया है, और दूसरी ये कि आप एयरफोर्स ज्वाइन कर रहे हैं। राइट। लेकिन भैया वो आधी खुशी कौन सी है? वो आधी खुशी ये है कि मैंने फैसला कर लिया कि जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करनी है। ये तो मैंने अपनी तरफ से फैसला किया, यू नो 50%, बाकी 50% तुम तय कर लेना। क्या हुआ? अब दूसरी बहनों की तरह ये मत बोल देना कि नहीं भैया मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं आपको छोड़कर जा सकती हूँ, लेकिन सिर्फ मरने के बाद। नहीं चुप, ऐसे अनाप शराप नहीं बोलते। आई मीन इट भैया, मम्मी पापा की तो शक्ल याद नहीं, छोटी सी थी जब वो गुजर गए, माँ की लोरियां, बाप का दुलार, सब आप ही से तो मिला है, दुनिया की सारी खुशियां, सारा प्यार आपने तो मुझे दिया है, इन सब के बदले मैं आपको अकेलापन नहीं दे सकती। अरे पगली, ऐसा अकेलापन सर आंखों पर, ये भाई जब अपनी बहन की डोली ससुराल की चौखट पर जाकर रखेगा, उस दिन उसे बाप का दर्जा मिल जाएगा, और मैं जानता हूं मेरी बहन उसके भाई से बाप का दर्जा नहीं छीनेगी। पूजा, हाय डार्लिंग। ये क्या बदतमीजी है? मेरा जिस लड़की पे दिल आता है ऐसे ही पकड़ लेता हूं। जस्ट लीव मी अलोन, छोड़ दो मेरा हाथ। भैया बचाओ। सर सर सर, आपकी बहन को कुछ गुंडे उठा कर ले गए। Oh,
कमान। राज दत्त कैसा है? जरा फोन तो लगा छोटे। हेलो, जोरावर। मान गया बलराज, मान गया। मैंने तुझे याद रखा उसकी तो वजह है, क्योंकि जेल में जब जब मैं बैसाखी लेकर चलता था, उसके ठक ठक की जगह वाकई मुझे बलराज दत्त दत्त की गूंज सुनाई देती थी। मगर खुशी इस बात की है कि तू भी मुझे नहीं भूला। बलराज अपने दुश्मन को उस वक्त तक नहीं भूलता जब तक उसे शमशान तक नहीं पहुंचा देता। ये यात्रा तो मैं तुझे करवाऊंगा बलराज, क्योंकि अब मैं बाहर आ गया हूं। ये मत समझना कि जोरावर जेल से बाहर आ गया है, तलवार म्यान से बाहर आ गई है। ऐसा वार करूंगा कि तेरे खानदान में किसी के जिस्म पर टांगे नहीं रहेंगी। अंकल, क्या बात है अंकल, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। मेरी परेशानी की वजह तुम हो निहार। क्या मतलब है अंकल? तुम क्या समझते हो कि तुम जो कुछ कर रहे हो उसकी मुझे खबर नहीं है? महीनों हो गए तुम्हें ऑफिस की शक्ल देखे हुए, और ना ही कभी तुम फैक्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर गए हो। इतना बड़ा कारोबार है और तुम्हें उसे संभालने की जरा भी फिक्र नहीं है। अंकल, आप हैं ना ये सब संभालने के लिए? नहीं बेटे, मैं तो सिर्फ रखवाला हूं, मालिक तो तुम हो, और इस जिम्मेदारी का एहसास मैं तुम्हें अभी से दिलाना चाहता हूं। आज शाम को तुम कोचीन जा रहे हो। कोचीन? हाँ बेटे, वहां हमारा 5-स्टार होटल बन रहा है, जब तक पूरा नहीं हो जाता तुम वहीं रहोगे। प्लीज अंकल, मुझे इस झंझट में मत डालिए। देखो बेटा, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, ये सब कुछ मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रहा हूं। क्या हुआ, ये जख्म कैसे हुआ? वो दोस्तों के साथ शिकार खेलने गया था ना वो। ये कोई छोटे मोटे जानवर का काम नहीं है, जरूर किसी शेर ने पंजा मारा होगा। जी बहुत शुक्रिया। अगर
अगर आज आप ना होते तो खुश नसीब होगी वो बहन जिसका आप जैसा भाई है। मुझे माफ कर देना भैया, मैंने आपका भाई से बाप बनने का हक हक छीन लिया। माफ कीजिएगा सर, मेरी वजह से आपकी गाड़ी का शीशा टूट गया। एक लड़की की इज्जत इस कार के शीशे से कहीं ज्यादा कीमती है। क्या करते हो? कुछ नहीं। ये मेरा कार्ड है, वक्त मिले तो मुझसे जरूर मिलना। जी। में जाती है, जन्नू में जाती है, जन्नू में बस में जाती है। आप जाओ, मैं तो घर जाता हूं। चलो ना, क्या बात है, चलो ना। आओ आओ, शेरवानी में जितनी परेशानी निकालता हूँ तुम्हारी। आओ भगवाने चलते हैं। आओ आओ, ओ कोई रोको, पाजे पाजे निकल जाए यहाँ से। अरे अंधी है क्या? अंधी है। ए मैडम, आंखें फूट गई है क्या तुम्हारी? किस्मत वाले हो जो बच गए, वरना मुझे ब्रेक पर पैर रखने की आदत नहीं है। तो फिर एक काम करो, अपने बाप से कहो कि तुम्हें एक हवाई जहाज ले दे, क्योंकि गाड़ी चलाते वक्त ब्रेक पर पैर और जुबान पर लगाम बहुत जरूरी है। जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? एक जिद्दी, घमंडी और बेवकूफ लड़की से। आउट। इडियट। सर, एक आदमी आपका कार्ड लेकर आया है। ओ हाँ, भेजो उसे। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। थैंक यू। सॉरी सर, कल मेरी वजह से आपकी गाड़ी का कांच। बरसों बाद किसी मर्द के जुनून का सही इस्तेमाल होते देखा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कहाँ रहते हो बेटा, कौन कौन रहता है तुम्हारे साथ? जी अकेला हूं और मंजिल की तलाश में हूं। समझो मंजिल तुम्हें मिल गई। आओ, तुम्हें एक बहुत बड़ी हस्ती के साथ मिलाता हूं। आओ। ये है बाबा ठाकुर, मेरे गुरु। आज बलराज दत्त जो कुछ भी है इन्हीं की बदौलत है। जब मैं छोटा था तो मेरे साथ एक अजीब सी घटना घटी। घटना नहीं, हादसा था वो। मैंने देखा रो मत बेटे, रो मत, अब घर की जिम्मेदारी तुझ पर है। मत मारो, मत मारो। मारिए साहब, मारिए मुझे, मगर आप ही बताओ साहब कि इस चादर की जरूरत उस मुर्दे को ज्यादा है या इस जिंदा लड़की को? बेटे, कौन है ये, क्या लगती है तेरी? कोई नहीं, मैं तो इसे जानता भी नहीं कि ये कौन है। बस इसको बुरी हालत में देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए पाप कर बैठा। बेटे, तूने पाप नहीं बहुत बड़ा पुण्य किया है। क्या नाम है तेरा? आज से दुनिया तुझे बलराज के नाम से जानेगी। सुनो, आज मेरे खून का एक एक कतरा बाबा ठाकुर के एहसानों का कर्जदार है। कल जब मैंने तुम्हें एक अनजान लड़की के लिए अपनी जान की बाजी लगाते हुए देखा तो मुझे तुम्हारे अंदर एक बलराज दत्त नजर आया। मैं चाहता हूं बेटे, तुम हमारे साथ
इसी घर में रहो, यहां तुम्हें अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। हाँ तो साहब, आप सोच रहे होंगे ड्रेस पायलट का और घर का नौकर। बाय द वे, बचपन से पायलट बनने का शौक था, वो तो पूरा नहीं हुआ। बस ड्रेस पहनकर घर के रनवे पर घूमता रहता हूँ। बाय द वे, आप साहब के रिश्तेदार हैं? जी नहीं। तो आप साहब को पहले से ही जानते होंगे? जी बिल्कुल नहीं। अच्छा, आप क्या करते हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं, तो आप यहाँ क्या करेंगे? पता नहीं। हाँ पता नहीं, आइए आइए, ये देखिए। चलिए, साहब ने खास लोगों के लिए बनवाया है गेस्ट रूम है। रूम में जो मार्बल है ना, वो इटली के है। बाथरूम में जो टाइल्स है ना, वो सिंगापुर से मंगवाए हैं। और ये जो कांच लगे हैं ना, ये अपना बेल्जियम के हैं। और जो ये कारपेट लगे ना, ये खास अरब से मंगाया है। हाँ, ये खास सिर्फ आप मेहमानों के लिए। साहब, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो घंटी एक बार मारना। गुड डे। अरे, ये चौथी प्लेट किसके लिए? कौन आ रहा है पापा? पायलट। जी सर। जाके राज को बुला के लाओ। यस सर। ये राज कौन है? Another point most parents make is that kids used to spend a lot of more time with family and friends than they do now. साहब ने आपको खाने पर बुलाया है। एक काम करो, साहब को बोलो मैं खाना अभी नहीं खाऊंगा, कसरत के बाद खाऊंगा। ऐसा करो, तुम खाना यहीं ले आओ। आप खाना अलग तरीके से खाते हैं? नहीं, आपकी तरह मुंह से खाता हूँ। ओ, मुंह से? जाइए खाना लेके आइए। ओके सर। जाइए, बेवकूफ कहीं का। वन। साहब, उन्होंने अपना खाना कमरे में मंगवाया है। किसका खाना डैडी? ठीक है, राज का खाना कमरे में भेज दो। यस सर। ये बस स्टॉप वाला लोफर यहाँ? 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 खाना टेबल पे रख दो और दो बोतल पानी की ले आओ। और सुनो, सुबह की चाय कितने बजे लाओगे? जितने बजे आप हुक्म करेंगे सरकार। तुम वही हो ना, वो जिद्दी घमंडी लड़की, यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो अपने घर में हूँ, लेकिन तुम क्या कर रहे हो यहाँ? ये आप अपने पापा से पूछिए। और सुनो, सुबह की चाय जरा जल्दी ले आना, ठीक है? थैंक यू। जानवर पालने का शौक हो गया उन्हें, कहती हूँ चिड़ियाघर ही खोल ले। 54, 55 क्या मुसीबत है। ओ भाई साहब, ओ पायलट साहब, ओ मैं आपसे कह रहा हूँ। बोलिए। देखिए, ये जगह मेरे लिए नहीं है और मैं रात भर सोया नहीं हूँ। मेहरबानी होगी अगर आप ये संगीत बजाना बंद कर दें। भाई साहब, संगीत सुनकर इंसान तो क्या, जानवर और पेड़ पौधे भी मस्त हो जाते हैं, और आप इसे बंद करने को बोल रहे हैं? देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, बंद कर दीजिए। कमाल कर रहे हैं साहब, मुझे इन पेड़ पौधों में पानी डालना है, मेरे ये बच्चे हैं, मर जाएंगे। पानी डालिए ना, संगीत क्यों पिला रहे हैं? बंद कीजिए प्लीज, मुझे संगीत बिल्कुल पसंद नहीं। अजीब आदमी है। हाँ हूँ। क्या बेवकूफ पैसेंजर है? रात को नींद नहीं आती है, गाना सुबह बंद करने को बोलता है, कल को बोलेगा ये झाड़ उठाकर फेंक दो, इस घास को दूध पिलाओ, कहेगा मेरा चेहरा पसंद नहीं है, ये पहला आदमी धरती पर देखा है जिसको संगीत से नफरत है। क्या हुआ पायलट, तेरा सुर क्यों बिगड़ा हुआ है? क्या बोलूं मेम साहब, अच्छा भला गाना सुन रहा था, बार आकर बोलता गाना बंद करो, मैं संगीत से नफरत करता हूँ। अगर उसको संगीत से नफरत है तो मुझे संगीत से प्रेम है। बेसुरा कहीं का।
ओह, तो उसे संगीत से सख्त नफरत है। जूस रेडी किया? जी हाँ। और डांस रिहर्सल के लिए टेप और टेप रिकॉर्डर गाड़ी में रख दिया। कैसेट वही है ना? जी हाँ। कुछ भूल गए तो देख लेना। आंखें खोल लीजिए, आप सही सलामत है। तुम? शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं। शुक्रिया अदा माय फुट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? आप गलत समझ रही हैं, मैंने आपको छुआ नहीं है, पकड़ रखा है, वरना आप तो। छोड़ो मुझे। Are you sure? I said leave me. जैसी आपकी मर्जी। You idiot. पापा, मैं उस गुंडे को इस घर में एक मिनट नहीं रहने दूंगी। बदतमीज तो पहले ही था, आज कमीनेपन पर भी उतर आया। उसे मेरी कमर में हाथ डाला पापा, और पापा just throw him out. उसे घर से इसी वक्त निकाल दीजिए। क्या? आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं तो पायलट से पूछ लीजिए। पायलट। जी मैम साहब। पापा को सच सच बताओ, वही हुआ था ना जो मैंने कहा? क्यों भाई, क्या बात है? सीढ़ियों से गिरी ये, संभाला उसने, थप्पड़ खाया मैंने। पायलट यू ब्लडी इडियट। पापा इधर आओ। माय डियर डियर कोमल, उस शरीफ लड़के को इस घर से निकालने का कोई और तरीका ईजाद करो। हेलो, बलराज दत्त, मैं जोरावर बोल रहा हूँ। कुत्ते बोलते नहीं, भौंकते हैं। जब कुत्ता बोल ही दिया है तो ये भी सुन ले, तेरे खून की बू सूंघ ली है मैंने दत्त, नहीं समझा? तेरा खून तेरी बेटी। राज, राज। जी। कोमल शो की रिहर्सल के लिए कॉलेज में गई है, उसका ध्यान रखना। जी अच्छा। Stop the music. What is this यार? हाँ? तीन घंटे से एक ही स्टेप कर रहे हैं, तुमसे सिंपल सा स्टेप नहीं होता?
देखिए ये उल्टे सीधे स्टेप्स मुझसे नहीं होंगे, मैं वही करूंगी जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। यू फॉलो माई स्टेप्स। देखिए मैडम, आप मुझे मत सिखाइए। और आप भी मुझे मत सिखाइए। जानती हैं आप किससे बात कर रही हैं? आपके कॉलेज वालों ने हाथ जोड़ कर बुलाया मुझे। आई एम रॉकी, रॉकी द पॉप स्टार। होंगे अपने घर में, ऐसे हाथ पैर तो कोई बंदर भी मार सकता है। हाँ तो ठीक है, अपने शो के लिए किसी बंदर को बुला लीजिए। जा रहा हूँ मैं, गुड बाय। जाइए जाइए, रोका किसने है? ए कोमल, ये तूने क्या कर दिया? कितनी मुश्किल से हमने इस शो के लिए रॉकी को तैयार किया था, अब कल के शो का क्या होगा? ये बंदर है ना नाचने के लिए। ए कोमल, कॉलेज के शो का मामला है, एक काम कर, तू उस हैंडसम को राजी कर लेना। इसको नेवर। कोमल, वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। कहा ना नो। तो ठीक है, कल तैयार रहना सड़े हुए अंडे और टमाटर खाने के लिए। तुम सब इतना फोर्स कर रही हो तो कोशिश करूंगी इस गधे को भी नचवाने की। गुड आफ्टरनून पापा, गुड आफ्टरनून मामा। गुड आफ्टरनून। ना ये मैं कर देती हूँ। ओके। पापा, हमारे कॉलेज में एक फंक्शन है। कोई चंदा बंदा चाहिए क्या? नहीं, आपकी कोऑपरेशन चाहिए। ओह, हुक्म कीजिए। हमने एक डांस आइटम तैयार किया था लेकिन मेरा डांसिंग पार्टनर भाग गया। तो तू क्या चाहती है, उसकी जगह तेरे पापा डांस करें? नहीं मम्मा, वो काम तो कोई बंदर भी कर सकता है। कोई बंदर ढूंढ लिया है क्या? हमारे घर में है ना आपका राज, स्टेज पे उल्टे सीधे हाथ पैर भी हिला देगा तो काम चल जाएगा। भाई, उसके हाथ पैर हिलाने का एक अंदाज तो मैं देख चुका हूँ, लेकिन वो संगीत के साथ कैसे हाथ पैर हिलाता है उससे पूछना पड़ेगा। नहीं पापा, टाइम बहुत कम है, आपको उसे राजी करना पड़ेगा, मेरी प्रेस्टीज का सवाल है, प्लीज पापा। ओके ओके, थैंक यू। Yeah.
तू मेरे टच से बच, अरे बच 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 बच, अरे बच बच बच। मेरे लिए तो फिट है तू, ये कोमल को क्या हुआ? थैंक यू, थैंक यू। वाह, कोई माने या न माने सुमित्रा, मैं तो छाती ठोक कर कहूंगा कि कोयले की खान में से हीरा ढूंढ निकाला है मैंने। राज की क्या क्या तारीफें करूं, मार धाड़ का मैदान हो या गीत संगीत का रंगमंच, किसी को टिकने ही नहीं देता, हर चीज में अव्वल। बस वन मैन शो है ये, वन मैन शो। सच कहा आपने। अब देखिए ना, ये यहाँ कुछ ही दिनों से तो है, पर ऐसा लगता है जैसे हमेशा से हमारे साथ ही था। मेरा बस चले तो मैं इसे यहाँ से कभी ना जाने दूँ। क्यों कोमल, ठीक कहा ना मैंने? क्या हुआ? हाय क्या पटाखा है यार, ये तो उल्टे हाथ का थप्पड़ था, सीधे हाथ का थप्पड़ शायद तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते। अरे जान दे, तू जानता नहीं कौन है ये? बलराज दत्त की लड़की है, इसके मुंह मत लग वरना तेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। लिखा हाय कोमल। हाय कोमल, क्या हुआ इसको? अरे यार क्या बात है, तेरा मूड क्यों उखड़ा हुआ है? अच्छा चल बता क्या पिएगी? खून। किसका? राज नाम है उसका, पापा ने उस बंदर को मेरे सर पे बिठा के रखा है, अगर उसका जीना हराम नहीं कर दिया ना तो मेरा नाम भी कोमल नहीं। ये तो बाएं हाथ का खेल है। हाँ हाँ भाई, ओके ओके, हाँ ठीक है। ये लो राज, देखो मैं इस बारे में सारी इंस्ट्रक्शंस दे चुका हूँ, अब तुम्हारा काम है उन पर अमल करना। जी। अरे वाह, इतना बड़ा मोर्चा लेकर आई हो, क्या बात है। अंकल बोलते हुए डर लग रहा है, आप ना तो नहीं कहेंगे? अरे पहले बोलो तो सही, हाँ ना की बात तो बाद में होगी। पहले आप प्रॉमिस कीजिए कि ना नहीं कहेंगे। देखो अब तुम तो ऐसे ही प्रॉमिस मांग रही हो, पहले बताओ तो सही बात क्या है। अंकल हम सब कल पिकनिक पर जाना चाहते हैं और कोमल को साथ लेके जाना चाहते हैं। अरे भाई तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, जाओ। अंकल राज तुम इनके साथ चले जाना। नो पापा, हम सब अकेले जाना चाहते हैं, राज हमारे साथ नहीं जाएगा। नामुमकिन, इतनी सारी लड़कियां जा रही हो और साथ में कोई जिम्मेदार आदमी ना हो, नामुमकिन, राज तुम्हारे साथ जाएगा। लेकिन पापा। नो नो डिस्कशंस, नो आर्गुमेंट्स, राज तुम्हारे साथ जाएगा। ओके ये लीजिए। ए सुनो, इधर आओ, इधर आओ। क्या है? मैं अब डीप वाटर्स में चली जाऊंगी और फिर डूबने का नाटक करूंगी। पागल हो गई क्या? सुन ना, जैसे मैं चिल्लाने लगूंगी ये इडियट तो आएगा मुझे बचाने। अरे हाँ। जैसे मुझे उठाएगा तुम लोग चार पांच फोटोग्राफ्स ले लेना, ठीक है, ताकि मैं पापा को दिखा सकूं कि वो मेरी इज्जत पे हाथ डाल रहा था। फिर हो जाएगी उसकी छुट्टी, ठीक है। चलो तुम लोग बाहर निकलो, तैयारी करो। कितना हैंडसम लड़का है यार, कोमल की जगह मैं होती ना तो उसे बाहों में लेके किस करती। कैमरा रेडी कर ले यार, अब आएगा बंदा। We'll be right back.
बलराज छोटा बोल रहा हूँ, जोरावर का छोटा भाई बख्तावर। तूने कहा था ना कि अगर तेरी बेटी पर किसी ने नजर डाली तो तू उसे अंधा कर देगा। लगता है कि तेरा दावा पूरा करने का वक्त आ गया है, क्योंकि इस वक्त मैं तेरी बेटी के उतना ही करीब हूं जितना तेरे कान से ये फोन कर रही है। बख्तावर, अगर मेरी बेटी को खराज तक भी आई तो चिल्ला मत बलराज, अपनी ताकत चिल्लाने में नहीं अपनी बेटी के पास पहुंचने में साया कर। कहीं ऐसा ना हो कि तू अपनी बेटी का कफन लेकर यहां पहुंचे और तुझे उसके चीथड़े भी न मिले, क्योंकि जिन धमाकों की तू आवाज सुन रहा है ना, ये दिवाली के पटाखे नहीं असली बंदूक की गोलियां हैं, और एक गोली पर तेरी बेटी का नाम लिखा है, सिर्फ तेरी बेटी का। क्या हुआ मेरी बेटी को? वो ठीक तो है ना? कहीं ऐसा ना हो कि आपकी दुश्मनी की भेंट मेरी बेटी चढ़ जाए। सुमित्रा, राज उसके साथ है, कोमल को कुछ नहीं होगा। राज, तुम्हें तो गोली लगी है। चलो जाओ। रात तक यहीं रुकना पड़ेगा, बैठ जाओ। थोड़ा आराम कर लो। पाएंगे जोश में लाड़ा होश खो देगी।
भूल से हमने भूल की है जो जिंदगी भरना भूल पाएंगे जोश में डालो होश खो बैठे हो गया है जो हम निभाएंगे भूल से हमने भूल की है जो जिंदगी भरना भूल पाएंगे क्या हुआ डर गई अब सब ठीक है चलो यहां से मामा कोमल कोमल मेरी बच्ची ओह माय गॉड
राज तुम्हारे हाथ से कितना खून बह रहा है, ये जल्दी से डॉक्टर को फोन करो, गर्म पानी टॉवल लेकर आओ। अच्छा माँ जी, चिंता की कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा ही खून। मेरे खून को बचाने के लिए अपना खून बहाया तुमने, मैंने जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे जिसका फल भगवान ने मुझे तुम्हारे रूप में दिया है। थैंक यू राज। बख्तावर भाई, बाजी बहुत गर्म हो गई है, कम से कम 40-50 लाख तक पहुंच गई है। बस लाले, अगर बख्तावर का नाम लेकर उसका मालिश करने वाला भी बाजार का चक्कर लगाए ना, तो ये शराब का गिलास खाली होने से पहले इतने रुपए ले आए। अगर ये सुनकर भी तेरा नाड़ा ढीला नहीं हुआ तो शो करवा ले। ले भाई, मैं ही शो करवा लेता हूं, ये ले कर दे शो। लंगड़ा कहाँ है? लंगड़ा कहाँ है? मैं नहीं जानता। बोल बोल, लंगड़ा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। नाश्ता नहीं किया, दवाई नहीं पी, अगर ठीक से खाएगा पिएगा नहीं तो जख्म कैसे भरेंगे? वो माँ जी, मैं वो बैठा। चुप कर, एक मारूंगी अभी। माँ कहता है और माँ की बात भी नहीं सुनता। ले जूस पी। ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रहा है? माँ की ममता। बचपन में ही माँ बाप का साया सर से उठ गया था। माँ का प्यार क्या होता है पता नहीं। कभी किसी ने प्यार से डांटा नहीं, किसी ने प्यार से खाना नहीं खिलाया, और आप लोगों ने मुझ जैसे अनाथ को। खबरदार, खबरदार जो ऐसी वैसी बात की तू। मैंने तुझे अपने बेटे से कम समझा है क्या?
जा बेटा, जाके आराम कर। जी अच्छा। जख्म कैसा है? 10 मिनट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। वैसे माँ जी अभी अभी गई हैं। बैठने को नहीं कहोगे? घर तुम्हारा है। तुम्हारा नहीं है क्या? मेरा क्या है, मैं तो अजनबी हूं, पता नहीं कब चला जाऊंगा यहां से। जाओगे तो एक खून का इल्जाम सर लेकर जाओगे। किसका खून? एक जिद्दी घमंडी बेवकूफ लड़की का खून। उसको कुछ हो जाए तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा? Thank you.
तो कहानी है। हो कुछ तो रहे कहोगे चढ़ती जवानी है, तेरे मेरे प्यार की भी यही तो कहानी है। ऐसे बंधी है अपनी सांसों की डोरिया, पकड़ी जाएंगी अपनी ये चोरियां। तेरी बदमाशियां और मेरी कमजोरियां, ना ताले तोड़े ना ही टूटी तिजोरियां, एक दिन पकड़ी जाएंगी अपनी ये चोरियां। थे मैं तो अजनबी हूं, पता नहीं कब चला जाऊंगा। जा सकते हो तो जाकर दिखाओ। बोलो जा सकते हो? हम्म, चुप क्यों हो? बोलो बोलो ना। किससे बातें कर रही है हमारी बिटिया? मैं तो बस किताब पढ़ रही थी माँ। अच्छा देखो तो कौन सी किताब पढ़ रही थी, देख। नहीं मम्मा, ये आपका सब्जेक्ट थोड़ी है। मुझे भी तो देखने दे कौन सा सब्जेक्ट। मम्मा अरे दे ना। ओहो, सब्जेक्ट तो अच्छा है, लेकिन एक बात बता, राज को सिर्फ किताब में कैद कर रखा है या बता ना बहुत। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? उस लफंगे की ये मजाल के मेरी बेटी को बहकाए, दो वक्त की रोटी क्या मिल गई, घर का मालिक बनने के ख्वाब देख रहा है वो। पापा राज ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, वो मौके की तलाश में था। मैं पहले से ही भांप गया था, उसे घर से बाहर निकाल फेंकूंगा। पापा प्लीज। शट अप, निहायत बदमाश लड़का है वो। नहीं पापा, वो एक अच्छा लड़का है। नहीं, वो अच्छा लड़का नहीं है, वो बहुत अच्छा लड़का है। क्या आप भी पापा? आजकल कोमल कुछ बदल सी गई है। कहां तो तुम्हारे नाम पर काटने को दौड़ती थी, लेकिन अब तुम्हारे नाम की माला जपने लगी है। कुछ भी कहो राज, तुमने जीत लिया है सबके दिलों को। राज, कोमल मेरी इकलौती बेटी है। मैंने आज तक उसकी जिंदगी की हर ख्वाहिश पूरी की है। मैं चाहता हूं कि तुम उसका दामन खुशियों से भर दो। लो, बातों बातों में एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। राज, फ्लाइट आने तक आओ कुछ किताबें देख लें। लगता है कोई करीबी रिश्तेदार आ रहा है, इसलिए आप उसे लेने खुद आए हैं। बहुत करीब का रिश्ता है मेरा, बस यूं कहो कि जिगर का टुकड़ा है। उसकी मौजूदगी के बगैर मेरी जिंदगी की हर खुशी अधूरी है। अरे जरा जाके देखो तो फ्लाइट आएगी। जी, अभी देखता हूँ। मैं इधर किताबें देखता हूँ। Your attention please. Announcing the arrival of IC 162 from Cochin. Thank you. Excuse me. Yes. क्या कोचिन की फ्लाइट यही है? हाँ यही है। Thank you.
राज छोड़ दे इसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई निहाल पर हाथ उठाने की? जानते हो ये कौन है? यही है वो जिसके स्वागत के लिए मैं यहां खुद आया हूं। बेटे की तरह पाला है मैंने इसे, बेटे की तरह। ये हो नहीं सकता साहब, ये हो नहीं सकता। चंदन के पेड़ पर सांप पल सकते हैं, लेकिन आप जैसे फरिश्ते के यहां शैतान नहीं पल सकता। ये शैतान है शैतान। तुम हद से गुजर रहे हो राज। इसको पकड़ने के लिए तो मैं मौत की हद से भी गुजर सकता हूं। राज, क्या किया है इसने? क्यों इसे मारने के लिए पागल हो रहे हो तुम? आप भी पागल हो सकते हो। कोई आपकी आंखों के सामने आपकी बेटी की इज्जत लूटने की कोशिश करे तो आप भी पागल हो सकते हो। आप उसकी रक्षा न कर सके तो आप भी पागल हो सकते हो। आपकी आंखों के सामने आपकी बेटी अपनी जान ले ले तो आप भी पागल हो सकते हो। और यह हादसा मेरे साथ हुआ सर। मेरी आंखों के सामने मेरी बहन ने और यह सब इस हरामजादे की वजह से, इसने मेरी बहन की इज्जत लूटने की कोशिश की। यही मेरी बहन का कातिल है। अंकल झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है अंकल। इस आदमी को जिंदगी में मैंने पहली बार देखा है। इसकी बहन कौन है मुझे क्या पता। सरासर झूठ बोल रहा है अंकल, इल्जाम लगा रहा है मुझ पर, झूठ बोल रहा है। इसकी गर्दन देखिए, मेरे नाखून के निशान होंगे। इसकी गर्दन देखिए, जख्म होगा इसकी गर्दन पर। ये जख्म कैसे हुआ? वो दोस्तों के साथ शिकार खेलने गया था ना वो। ये कोई छोटे मोटे जानवर का काम नहीं है, जरूर किसी शेर ने पंजा मारा होगा। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा सर, इसकी मौत मेरा मकसद है। नामुमकिन है राज, तुम्हारे इंतकाम और इसकी जिंदगी के बीच में बलराज दत्त खड़ा है। इसका कवच हूं मैं, इसकी रक्षा करना धर्म है मेरा। ठीक है साहब, आप अपना धर्म निभाइए, मैं अपना फर्ज निभाता हूं। फैसला वक्त पे छोड़ देते हैं, देखते हैं आपके हिस्से में इसकी जिंदगी आती है या मेरे हिस्से में इसकी मौत। अंकल आप राज को कैसे जानते हैं? क्या समझते हैं आपने आपको? बहुत ताकतवर है वो, तो आप आ गए बीच में इसलिए मैंने छोड़ दिया उसे। पागल, बदमाश। किताब देखे बिना मजमून पढ़ लिया तुमने? तुम तो कहते थे कि राज और उसकी बहन को पहचानते तक नहीं। वो तो मैंने यूं ही अंदाजे से कह दिया था भाई, ऐसा तो बहन भी वैसी रही होगी ना। निहाल, आज दूसरी जिंदगी मिली है तुम्हें। जीना चाहते हो तो मौत को आवाज देने की बेवकूफी मत करना। आ गए आप लोग, कैसे हो निहाल? निहाल, ये क्या हुआ बेटा? और ये क्या हालत बना रखी है? किसने की इसकी ये हालत? हाँ, और वो राज, राज कहाँ है? राज भी तो आप ही के साथ गया था। निहाल, अपने कमरे में जाओ। आप बोलते क्यों नहीं कि राज कहाँ है?
सॉरी। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। मुझे तुम्हारे बर्ताव से कोई शिकायत नहीं है। अगर परेशान हो तो सिर्फ इसलिए कि वो कौन सी तकलीफ है जिसने तुम्हारे चेहरे से तुम्हारी मुस्कुराहट छीन ली। मुस्कुराहट तो बहुत छोटी सी चीज है, हो सकता है इसमें मेरी जान चली जाए। नहीं राज, तुम्हारी जान सिर्फ तुम्हारी जान नहीं है, उस पर मेरा भी हक है। प्यार किया है मैंने, और प्यार करने वाले जिंदगी और मौत दोनों के साझेदार होते हैं। तुम्हें मेरी कसम, बताओ वो कौन है जो तुम्हें दुख देकर मेरी खुशियों पर डाका डाल रहा है? मेरी बहन का कातिल निहाल। हे भगवान, ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन सुमित्रा, अब जो होगा वो और भी बुरा होगा। राज के सर पर खून सवार है, और भगवान ना करे अगर निहाल को कुछ हो गया तो मेरी जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाएगी। भगवान ना करे अगर राज को कुछ हो गया तो हमारी बच्ची का क्या होगा, ये नहीं सोचा आपने? मामा, आपको मालूम है राज की बहन का कातिल निहाल है? ये जानते हुए कि वे खूनी है, हम उसके साथ कैसे रह सकते? आखिर ऐसी क्या मजबूरी? पापा बोलिए, आप खामोश क्यों हैं? इसका मतलब आपको अपनी बेटी की खुशियों से ज्यादा उस खूनी की परवाह है। वो पराया आपके लिए अपने खून से बढ़कर हो गया, बोलिए। हाँ बेटी, इस घर में खून से ज्यादा नमक का रिश्ता पलता है। उसकी लाज निभाने के लिए तेरे पापा अपनी बेटी और पत्नी तो क्या, अपने आप को भी कुर्बान कर देंगे। सबकी भलाई इसी में है बेटा, कि तू राज को भूल जा। हाँ बेटा, मामा। भूल की है जो
साहब ने तेरे हिस्से की तकलीफ कम कर दी, वरना मैं तुझे भी। तुम्हारी ये जुर्रत, मेरे घर में घुसकर इसे मारने की कोशिश की तुमने, इसका अंजाम क्या हो सकता था जानते हो? मेरे गार्ड्स तुम्हें गोली मार देते या फिर मैं खुद। मार डालिए साहब, मार डालिए, क्योंकि जब तक ये जिंदा है मेरी जिंदगी मौत से बदतर है। क्यों, अपनी जान के दुश्मन बने हुए हो तुम? अपनी जान से ज्यादा इसकी मौत में दिलचस्पी है मुझे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, हजार बार कोशिश करूंगा, लेकिन इसे मारूंगा जरूर। कोई ना कोई दिन तो आएगा जब इसके और मेरे बीच में आप नहीं होंगे। हाँ, ऐसा दिन होगा, बेशक वो दिन होगा राज, लेकिन उस दिन बलराज दत्त इस दुनिया में नहीं होगा। मेरे मरने के बाद तू इसे भले ही मार देना, और उसके साथ ही उन घर वालों को भी मार देना जिन्होंने तुम्हें इतनी इज्जत दी, सम्मान दिया, प्यार दिया, क्योंकि अब इन शब्दों का तो तुम्हारे लिए कोई अर्थ ही नहीं रहा। क्या बेवकूफी कर रहे हो निहाल? छोड़ दीजिए अंकल, छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए। कब तक डरता रहूंगा इससे? आज के बाद ना मुझे इससे भागने का खौफ रहेगा, ना इसे मुझ तक पहुंचने के लिए तकलीफ उठाने की जरूरत पड़ेगी। किस्सा ही खत्म कर दूंगा आज। I kill him. होश में आओ निहाल, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं और तुम मौत के मुंह में जाने पर तुले हुए हो। इडियट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विक्रम। सर आपने मुझे याद किया, सेवा बताइए। सेवा नहीं, बलराज दत्त पर एहसान करने के लिए बुलाया है तुम्हें। एहसान? बैठो जी। विक्रम जी, अगर तुम मेरी मदद करो तो एक शरीफ आदमी मुजरिम बनने से बच सकता है। सर ऐसे नेक कामों के लिए तो मैं हर वक्त तैयार हूं। गुड, इस लड़के को गिरफ्तार कर लो, लेकिन हवालात में इसे किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हवालात में किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए? लेकिन इसने किया क्या? किया नहीं, करने वाला है, खून करने वाला है। खून किसका? क्या यह जानना जरूरी है? सर अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो आपको इन दोनों की जिंदगी बचाने में दिलचस्पी है। आई एम राइट सर? यस। I must arrest you, Mr. Raj. किस जुर्म में? बलराज साहब ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है कि तुमने किसी को जान से मार डालने की धमकी दी है, ना? सिर्फ धमकी ही नहीं, मैं उसे सचमुच मार दूंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक रुक सकती। जाओ मिस्टर राज, वरना गोली चल जाएगी। वार्निंग देने से अच्छा होता कि तुम मुझ पर गोली चला देते। इंस्पेक्टर तुम बोलते हो। पकड़ लो इसको। मेहरबानी का शुक्रिया। शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है लाले, क्योंकि तुझे बचाकर जोरावर ने खुद पर एहसान किया है। जहां तक मैं जानता हूं, मैं आपसे पहले कभी नहीं मिला। बिल्कुल ठीक कहा है लाले, बिल्कुल ठीक कहा है। तू मेरे बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन जोरावर तेरी सारी खबर रखता है। इस दिलचस्पी की वजह? मौत। किसकी? बचपन में कहानी तो सुनी होगी, एक सांप था जो हमेशा कौए के अंडे खा जाता था। कौआ अपने अंडों को बचाने के लिए एक दिन रानी का हार ले उड़ा। सिपाही कौए के पीछे भागे,
कौए ने हार सांप के बिल में डाल दिया। हार हासिल करने के लिए सिपाहियों ने सांप को मार डाला। रानी को अपना हार मिल गया और कौए को सांप से छुटकारा। ये बात तो समझ में आ गई कि कहानी का कौआ आप हैं। जरा यह भी बता दीजिए कि सांप का नाम क्या है। वही जो तुम्हारे दुश्मन के चारों तरफ कुंडली मारे बैठा है, बलराज दत्त। इस हाथ की पकड़ इतनी सख्त भी हो सकती थी कि तुम्हें तड़पने का मौका नहीं मिलता। छोड़ इसलिए रहा हूं कि कुछ देर पहले तुमने मेरी मदद की थी। और रही बात बलराज दत्त की, तो उसे सांप समझने की गलती मत करना। वो अजगर है, अजगर। और अजगर डसता नहीं, निकल जाता है। उसके करीब भी मत जाना, वरना तेरे वजूद का पता तक नहीं चलेगा। समझे कौवे? हेलो। नमस्ते माँ जी। राज, राज बेटे, कहाँ हो तुम? कहाँ से बोल रहे हो? आप मेरी फिक्र ना करें माँ जी। माँ कहता है और कहता है कि फिक्र ना करूं। तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस आपका ख्याल रखना। मैं क्या ख्याल रखूंगी उनका? वो खुद किसी का ख्याल रखने में अपनी पत्नी और बेटी को भुला चुके हैं। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। वो हम सबको बहुत प्यार करते हैं। मजबूर है वो। बस साहब की जान को खतरा है। क्या कह रहे हो तुम? हाँ माँ जी, एक 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 लंगड़ा आदमी है। लगता है साहब की कोई पुरानी दुश्मनी है उसके साथ। लंगड़ा सा आदमी? कहीं कहीं जोरावर तो नहीं? हाँ शायद वही नाम है, जोरावर। मेरी और साहब की नाराजगी को दुश्मनी समझ बैठा था और मुझे अपने साथ मिलाना चाहता था वो। मेरा यकीन कीजिए, आपने मुझे बेटा कहा है तो मैंने भी उन्हें पिता का दर्जा दिया है। जब तक मेरे शरीर में सांसें हैं, आपके सुहाग पर आंच नहीं आने दूंगा। आप लोगों से दूर जरूर हूं लेकिन अलग नहीं। साहब से कहना होशियार रहे। हेलो, हेलो राज, तो एहसास हो गया मुझे, लेकिन मैं तुमसे शर्मिंदा न रहूं इसलिए आया हूं तुम्हारे पास। बेटे, मैं मानता हूं कि जो कुछ तुम्हारे साथ बीता वो अच्छा नहीं था और जो तुम कर रहे हो वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो मैं कर रहा हूं वो भी तो गलत नहीं है। मुझ बदनसीब की तो दोनों तरफ से हार ही है। भूल जाओ जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ। जख्मों को कुरेदोगे तो खून बहेगा, तकलीफ होगी और भगवान जानता है तुम्हारी तकलीफ मेरी तकलीफ है। बेटे, मत बढ़ो उस रास्ते पर जहां सिवाय बर्बादी के और कुछ नहीं है। रोक लो अपने कदमों को, बदल दो अपने इरादे। बस यही दरख्वास्त करने आया था तुमसे।
आपके जज्बात की बहुत कदर करता हूं मैं। सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? इस सवाल का जवाब मेरे पास होता तो मैं तुम्हारे पास क्यों आता? कहां जा रहे हो तुम? बाहर जा रहा हूं। ये जानते हुए भी कि इस चौखट के बाहर तुम्हारी जान को खतरा है? क्या खतरा इस चौखट के अंदर नहीं? क्या मतलब? जी, ये दीवारें इतनी ऊंची तो नहीं कि मौत भी अंदर ना सके, और मैं भी उतना कायर नहीं कि उसके डर से इस चार दीवारी में कैदी बनकर रह जाऊं। दम घुटने लगा है, थक चुका हूं एक जैसे चेहरे देखकर। मुझे डर, बेबसी और मोहताजी नहीं, मुझे जिंदगी में रंगीनी और आजादी चाहिए। ये सारे हक तो तुमने उसी दिन खो दिए थे जिस दिन तुम्हारी वजह से एक मासूम लड़की की जान गई। और रही कैद की बात, कैद तुम नहीं हो निहाल, कैद तो मैं हूं अपने वचन में। इसीलिए गुनहगार की हिफाजत कर रहा हूं, क्योंकि वो गुनहगार बाबा ठाकुर का पोता है। तो आज ये गलतफहमी भी दूर हो जाए, हम दोनों एक दूसरे के निशाने पर हैं। अब गोली चाहे निहाल की चले या राज की, आपके हिस्से में लाश जरूर आएगी। जब दिमाग में गुस्सा हो और आंखों में नफरत तो निशाना ठीक नहीं लगता निहाल बाबू। मेरा नाम कैसे जानते हो तुम? नाम? अरे जोरावर तुम्हारे बारे में जितना जानता है उतना तुम खुद भी अपने बारे में नहीं जानते। इसमें जहर नहीं है लाले, तुम्हारी जान खतरे में है दोस्त। दोस्त कहते हो तो खुलकर सामने आओ, ये पहले आमद पूजा। सीधी सी बात है लाले, बलराज दत्त कभी नहीं चाहेगा कि बाबा ठाकुर की करोड़ों की जायदाद उसके हाथों से निकल जाए। इसलिए तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए उसने ऐसा आदमी चुना है जो पहले से ही तुम्हारी जान का दुश्मन है, और उस पर तुर्रा ये कि वो उसे अपना दामाद बनाना चाहता है। जहां राज के हाथों तुम मरे और वहां राज के सर पर शादी का सहरा, करोड़ों की जायदाद मिलकर लूटेंगे साले दामाद और ससुर। अगर जोरावर की बात पर भरोसा नहीं है तो जा, जा लाले जा, और बलराज दत्त से वो चीज मांग जो बाबा ठाकुर की जमीन से ज्यादा कीमती है। जा। ये आदमी क्यों लगा रखे हैं मेरे पीछे? तुम्हारी हिफाजत के लिए। अच्छा, किससे खतरा है मुझे? उस दुश्मन से जो घर के बाहर है या उससे जो घर के अंदर है? तुम इस वक्त होश में नहीं हो। होश तो आज आया है बलराज साहब, होश तो आज आया है, आज पता चला है मेरी हिफाजत के दावे करना
आपका सिर्फ दिखावा है, नाटक है। मेरे पीछे लगाए गए आपके लोग दरअसल मुझे बचाने के लिए नहीं, राज की हिफाजत के लिए हैं, ताकि वो मेरी गोली का शिकार न बने। कसूर तुम्हारा नहीं, शराब का है, इसीलिए अपने और पराए का फर्क भूल गए हो। अपना? कौन अपना? ये दुनिया है बलराज साहब, या हर आदमी अपनी वफादारी और मेहनत की कीमत चाहता है। अगर आप मुझे अपना समझते ना, तो उस रात उस हरामजादे की जान ना बचाते जो मेरे निशाने पर था, मर जाने दिया होता उसे। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो आपकी बेटी का आशिक है, आपका होने वाला दामाद। हाँ, ये सच है कि राज मेरी बेटी से प्यार करता है, ये सच है कि मैं उसे बचाना चाहता हूं, और ये भी सच है कि तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए मैं किसी की जान ले भी सकता हूं और अपनी जान दे भी सकता हूं। दे दो अपनी जान, दे दो अपनी जान, दे दो अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथों में। निहाल, 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 निहाल। खबरदार जो अपनी गंदी जुबान से मेरी बेटी का नाम लिया। मैंने बाबा ठाकुर को तुम्हारी जिंदगी बचाने का वचन दिया था, तुम जैसे दरिंदे के हाथ में अपनी बेटी का हाथ देने का नहीं। बस बता दिया ना अपना रंग, दिखा दी ना अपनी जात। तुम ऐसा कर ही नहीं सकते मिस्टर बलराज दत्त, क्योंकि मैं ही तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हूं। मुझे मारकर इस सारी जायदाद के वारिस बनना चाहते हो तुम? क्या कहा? मैं तुझे मार डालना चाहता हूं? सुन रहे हो ना बाबा, क्या कह रहा है ये, कि मैं इसे मारकर इसकी सारी जायदाद हड़प कर लेना चाहता हूं? बाबा, अगर मुझे यही लालच होता तो उसी दिन मैंने इसका गला घोट दिया होता जिस दिन आपने इसे मेरे हवाले किया था। भगवान जानता है बाबा कि मैंने अपना वचन अपनी जिम्मेदारी निभाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी है, फिर भी इसने मुझे बसात कहा, गद्दार कहा, जलील किया है मुझे। अरे इस बेजान तस्वीर के सामने क्या गिड़गिड़ा रहे हो? इन रगों में अगर बाबा का खून नहीं होता तो अब तक इस हाथ को कांधे से उखाड़कर फेंक देता, इससे पहले कि मेरी मर्यादा टूट जाए। चला जा यहां से। निहाल, सॉरी, सॉरी निहाल। अरे हट, ये हमदर्दी उसके लिए बचा के रखना जिसकी मौत मेरे हाथों लिखी है। हट। लाले आओ आओ। ये लाले, ये किसने जख्म दिया मेरे दोस्त के माथे पर? नहीं जोरावर, इस जख्म को खुला ही रहने दो। पागल मत बन लाले, जख्म खुला रहा तो जहर फैल जाएगा। फैलने दो, फैलने दो इस जहर को। जितना यह जहर फैलेगा उतनी ही मेरे अंदर इंतकाम की आग और भड़केगी। तू इस जंग में अकेला नहीं है लाले, तू इस जंग में अकेला नहीं है। बलराज दत्त के सितारे तो गर्दिश में आ ही चुके, अब देख उसे इस गोटी की तरह कैसे न चाहता। सुमित्रा, 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 कोमल कहां है? मैं पूछ रहा हूं कोमल कहां है? क्या आपको वाकई पता नहीं कि वो कहां है? क्या मतलब? वो राज के पास गई है। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? तूफान को रोकना मेरे बस में नहीं है। किसी को भी मेरी परवाह नहीं। कोई अपना धर्म निभा रहा है और कोई अपना फर्ज।
और इस चक्की में पिस रही हूं मैं। क्यों? मैं पूछती हूँ क्यों? इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या यह सजा मुझे इसलिए दी जा रही है क्योंकि मैं बलराज दत्त की बेटी हूँ? क्या मेरा गुनाह यह है कि मैंने तुमसे प्यार किया है? बोलो, बोलो राज। हाँ, तुमने गुनाह किया जो घर छोड़ के चली आई। तुम्हें अपने पापा का ख्याल रखना चाहिए, उनकी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। वो हमारे प्यार के खिलाफ नहीं है और ना ही मैं कोई तुमसे दूर हूं। और अगर हमें कोई जुदा कर सकता है तो सिर्फ मेरी मौत। राज, तुम्हें मेरी कसम है, घर वापस चलो। में दाखिल होने की तमीज भूल गए हो क्या? दुश्मन के घर में दाखिल होने के लिए तमीज की नहीं ताकत की जरूरत होती है, और इसकी ताकत मैं हूं बलराज। देख, तेरे ही घर में तेरे सामने खड़ा हूं मैं। कहते हैं दुश्मन को उसी के घर में घुस के मारने का मजा कुछ और होता है बलराज दत्त। लगता है बैसाखी थामने की ताकत नहीं रही उंगलियों में, इसीलिए चार कंधों की सवारी मांगने आया है। ये गोली तेरे सीने पर भी चल सकती थी बलराज, लेकिन इतनी आसान मौत तेरे मुकद्दर में नहीं है। क्या खड़ा है लाले? जा, उठा ले इसकी लौंडिया। निहाल, तुम होश में तो हो? इस कमीने के कहने पर इतनी जलील हरकत करने जा रहे हो तुम? जानते हो ये कौन है? इसकी बकवास मत सुन लाले, उठा ले लौंडिया को। खबरदार निहाल, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। अबे रुका क्यों है लाले, जा। निहाल, अपने ही घर की इज्जत पर हाथ डालना चाहते हो? हट जा मेरे रास्ते से। बदतमीज। निहाल, उस तकलीफ के बारे में सोच जब निहाल तुझ पर गोलियां चलाएगा बलराज दत्त। इस भ्रम में मत रहना जोरावर, मैंने अपनी छाती से लगाकर पाला है उसे, मेरी ममता का अमृत खोटा नहीं हो सकता। अमृत? उस अमृत में मैं कब का जहर घोल चुका हूं। तेरी हंसी में मौत का खौफ देख रहा हूं मैं। सच जोरावर, तू वाकई ही इतना अपाहिज हो चुका है कि बिना किसी के सहारे तू कुछ कर ही नहीं सकता। इसीलिए निहाल को बहकाया तूने, लेकिन जीत तेरे नसीब में लिखी ही नहीं है। पहले तूने अपनी टांग गवाई, फिर भाई, और अब खुद मरने के लिए यहां चला आया। अबे हट, मैं तो बहुत पहले जीत चुका था। एक ही वार में तेरा बाबा ठाकुर, उसका जवान बेटा और उसकी बहू सबको लिटा दिया था मैंने। बच गया था तू और तेरे मालिक का पोता, जिसे तूने 25 साल अपने सीने से लगाकर पाला है, उसी से मरवाऊंगा तुझे। जिस जोरावर ने उसके मां बाप और दादा को जिंदा नहीं छोड़ा, वो उसे क्या बख्शेगा? मेरे जीते जी तेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी लंगड़े बलराज।
तुझसे कहा था ना कौवे, आज घर के करीब भी मत जाना, वरना तेरे वजूद का पता तक नहीं चलेगा। देख क्या रहा है लाले, चला गोली। नहीं निहाल, तुम गोली नहीं चलाओगे, तुम्हें मेरी कसम, तुम राज पर गोली नहीं चलाओगे। लाले देख क्या रहा है, मार दे गोली, मार दे गोली। निहाल नहीं, नहीं निहाल, चला गोली। मार दे गोली। हरामजादे, मेरे हाथों से देवता को मरवाना चाहता था तू? मैं आपसे माफी भी मांगू तो किस मुंह से? अपने मां बाप के कातिल के साथ मिलकर मैंने आपको ही, मैं भाग गया था अंकल, बहुत दिल दुखाया आपका, मैं आपका गुनहगार हूं अंकल। अब जो भी सजा मुझे देना चाहें मुझे मंजूर है। निहाल! 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 निहाल मेरे बच्चे, ये तूने क्या किया? मैंने आपको मुंह दिखाने के काबिल छोड़ा ही कब था अंकल, लेकिन लेकिन आपने हमेशा अपना धर्म निभाया है। माँ, मुझे माफ कर दे माँ, मैं इतना गिर गया था कि मैंने, मुझे जिस माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया उसी पर हाथ उठाने की जरूरत की। नहीं बेटा, मुझ पे जो हाथ उठाता वो एक शैतान का हाथ था, मेरे निहाल का नहीं। मुझे पता है कि तुझ में एक धर्मात्मा का खून है, बाबा ठाकुर का खून है। राज, अब तू भी इसे माफ कर दे बेटा। राज, मैं तेरा गुनहगार हूं राज, मेरी मौत तेरे हाथों होनी चाहिए। मुझ जैसे रावण को जीने का कोई हक नहीं है राज, मेरी मौत तुझ जैसे राम के हाथों होना बहुत जरूरी है। मुझे खत्म कर दे राज, अपना फर्ज पूरा कर ले। प्लीज शूट मी राज, प्लीज शूट। नहीं निहाल, नहीं, किसे मारूं मैं, किसे मारूं? उस इंसान को जिसने मेरी मौत को अपने गले लगाकर मुझे बचा लिया, उसे मारूं मैं? इस देवता को अपनी नजरों से गिरने से बचा लिया, उसे मारूं? मां की परवरिश की लाज रख ली, उसे मारूं? मैं तो उस मुजरिम को मारना चाहता था जिसकी वजह से मेरी बहन ने अपनी जान दे दी, उस इंसान को नहीं जिसने अपने खून से अपने गुनाह को धो दिया है, उसे मारना नहीं चाहता मैं। तू कहां जा रहा है राज? जा तो मैं रहा हूं, इस घर को एक बेटे की बहुत जरूरत है राज, इस घर को तेरी बहुत जरूरत है राज, प्लीज डोंट गो, मत जा राज, मत जा। कोमल, Ha 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 ha